बच्चों, वर्णमाला आप सीख गए हैं ना? बहुत अच्छे। इस वर्णमाला में अनेक तरह के वर्ण होते हैं, जैसे स्वर, अयोगवाह, अनुनासिक, व्यंजन आदि। आइए वर्णमाला को एक बार फिर से दोहरा लें। हिंदी की वर्णमाला, स्वर अ आ, इ ई, उ ऊ, री ए ए, ओ ओ, अं अह। अनुनासिक, अनुनासिक बिंदु और चंद्र बिंदु। व्यंजन क ख ग घ ण, क वर्ग, च छ ज झ या, च वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग, त थ द ध न, त वर्ग, प फ ब भ म, प वर्ग, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। संयुक्त व्यंजन। कुछ अन्य वर्ण, ड ढ ज फ अ। बच्चों, ऊपर आपने देखा कि स्वर सबसे पहले आते हैं। इनकी संख्या 11 है। फिर अयोगवाह में बिंदु और चंद्र बिंदु आते हैं। इसके बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजनों में क वर्ग से प वर्ग तक या स से ह तक और फिर संयुक्त व्यंजन आते हैं। बच्चों, हिंदी में इन सब वर्णों के अलावा कुछ अन्य वर्ण भी हैं जो अपनाए गए हैं। अब हम मात्राएं सीखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि केवल स्वरों की ही मात्राएं लगाई जाती हैं? ये मात्राएं स्वरों की चिन्ह होती हैं, जैसे स्वर अ आ, इ ई, उ ऊ, रि ए ए, ओ ओ। मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है ऐसी, इ की मात्रा होती है ऐसी, ई की मात्रा होती है ऐसी, उ की मात्रा होती है ऐसी, ऊ की मात्रा होती है ऐसी, रि की मात्रा होती है ऐसी, ए की मात्रा होती है ऐसी, ए की मात्रा होती है ऐसी, ओ की मात्रा होती है ऐसी, ओ की मात्रा होती है ऐसी। मात्रा युक्त व्यंजन। क का, कि की, कु कू, क्रि के कै, को कौ। बच्चों, अब समझ गए ना मात्राओं को? यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि र में उ या ऊ की मात्राएं बीच में लगाई जाती हैं, जैसे र जमा ऊ रू, र जमा ऊ रू। उसी प्रकार रि की मात्रा ह और श वर्णों में बीच में लगती है, जैसे ह जमा रि ह्री, श जमा रि श्री। र वर्ण का प्रयोग। बच्चों, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में
र एक ऐसा वर्ण है जिसके एक से अधिक रूप हैं। आइए हम सब उन रूपों को जानें। रेफ, जब र वर्ण स्वर रहित हो, यानी र के उच्चारण में स्वर अ न मिला हो, तो र आगे आने वाले उस व्यंजन के ऊपर या सिर पर चढ़ जाता है, जैसे न जमा र जमा म नर्म, ग जमा र जमा म गर्म, पदेन। क जब र वर्ण किसी स्वर रहित अर्थात बिना स्वर के उच्चारण वाले व्यंजन के बाद हो, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र उसके पैरों में पड़ जाता है, जैसे प जमा र जमा राम प्रणाम, ग जमा र जमा ह ग्रह। जब र वर्ण बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों ट ठ ड ढ के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इस रूप में स्वर रहित व्यंजन के नीचे लिखा जाता है, जैसे ड जमा रा जमा मा ड्रामा, ट जमा रा जमा म ट्राम। वर्ण विच्छेद। बच्चों, क्या आपने वर्ण विच्छेद का नाम सुना है? नहीं, कोई बात नहीं, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक यानी जिनसे कुछ अर्थ निकले मेल से शब्द बनते हैं। किसी भी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे तोता, अ रहित त जमा ओ अ रहित त जमा आ, लड़की, अ रहित ल जमा अ जमा ड जमा अ जमा अ रहित क जमा ई। बच्चों, ऊपर शब्दों के जो छोटे छोटे टुकड़े वर्णों में किए गए हैं वे ही वर्ण विच्छेद हैं। संयुक्त व्यंजन। बच्चों, आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त का मतलब क्या है? नहीं पता? अरे, संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ, यानी जब दो व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन हो गया। इसे ऐसे समझें, अरहित च जमा छ छ मच्छर, अरहित स जमा व स्व स्वतंत्र, अरहित न जमा त न्त अंत, अरहित क जमा य क्य क्यारी, अरहित ख जमा य ख्य संख्या, अरहित ट जमा ठ टट भट्ठी, अरहित क जमा श क्ष पक्षी, अरहित क जमा त क्त भक्त, अरहित द जमा ध द गिद्ध, अरहित क्ष जमा य श्य शिष्य। द्वित्व व्यंजन। बच्चों, अब तक आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना, आज हम उसी से मिलते जुलते व्यंजन के एक और प्रकार के बारे में जानेंगे। द्वित्व का अर्थ है दो बार, यानी जब एक ही व्यंजन लगातार दो बार प्रयुक्त किया जाए तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे अरहित च जमा च च बच्चा, अरहित क जमा क कक चक्का, अरहित म जमा म मम अम्मा।